appropriation from the Consolidated Fund of India, which will happen at a later point in time. So I wonder why the finance minister is wishing to subvert the constitution in this fashion. Sir, main kuch chand baatein kehke apni baat khatam karunga. Pehli baat to ye hai ki इस देश में जब तक जो किसान के लिए हम कुछ नहीं करेंगे तब तक इस देश का सुधार नहीं होगा और जब हम लोग हंस रहे हैं लेकिन who laughs last laughs the most और जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और आपके सामने मैं कुछ आंकड़े रखूंगा 2014 में जो चावल का भाव था वो 28 रुपया था और 2017 में 30 रुपया हो गया 7.14 प्रतिशत बढ़ा गेहूं का भाव 22 प्रतिशत बढ़ा है 2014 में 18 था यहाँ अब 22 है आटा का भाव 19 प्रतिशत बढ़ा तूर दाल का भाव 36 प्रतिशत बढ़ा 76 था 2014 में अब 104 है उड़द का 69% बढ़ा पहले 65 था अब 110 है मसूर दाल का 29% बढ़ा ऐसे मैं कई आंकड़े आपको दे सकता हूं मस्टर्ड ऑयल का 26% बढ़ा तो महंगाई तो बढ़ती जा रही है और किसान आत्महत्या करता जा रहा जितनी आत्महत्या 2014 के बाद हुई है इतिहास में नहीं हुई और सच्चाई तो यह है कि जो किसान की आमदनी आम आदमी आमदनी है वो महीने की 3,800 रुपया है हाउस होल्ड इनकम रूरल सेक्टर में 3,800 रुपया है ठीक है आंकड़े हैं और द नेशनल एवरेज डेट ऑफ अ फार्मर वो 47,000 रुपया है ये एवरेज डेट है किसान की जो कर्ज है 48,000 है और आप कहते थे कि वी विल द एनडीए कहता था द एनडीए शुड स्टैंड बिहाइंड ऑल फार्मर्स हिट बाय नेचुरल कैलामिटीज लाइक द रीसेंट हेल स्टॉर्म्स और इकोनॉमिक क्राइसिस आई शैल नॉट दिस इज द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट आई शैल नॉट बी एबल टू स्लीप पीसफुली टिल आई डू समथिंग फॉर यू मैं सो नहीं पाऊंगा जब तक मैं आपके लिए कुछ नहीं करूं तो प्रधानमंत्री जी आप सो क्यों रहे हो आप सो क्यों रहे हो ना 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 रात को अच्छी तरह से सोते हैं मतलब के जो किसान है मतलब जो आत्महत्या बढ़ी है वो 42% बढ़ी है पिछले 2-3 सालों में एंड व्हाट हैव यू इन योर फाइनेंस बिल व्हाट हैव यू डन अबाउट इन्वेस्टमेंट सर व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट यू हैव गिवन ऑन इन्वेस्टमेंट द ओनली थिंग यू हैव डन इज दैट एज फार एज द मीडियम स्केल सेक्टर इज कंसर्न्ड If the turnover is less than 50 crores, you've brought the tax rate to 25%. But that is only quick companies. What about partnerships? वो तो कंपनियों के ऊपर ही लागू है अगर 50 करोड़ का उनकी आमदनी 50 करोड़ से कम है तो टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो तब 25% टैक्स होगा लेकिन पार्टनरशिप पे लागू नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप पे लागू नहीं है और जो बड़ी कंपनियां जिनका 50 करोड़ से ज्यादा होगा वो अपनी डाउनसाइज कर लेंगी दो कंपनियां बना लेंगे आपने बाकियों के लिए क्या किया रोजगार के लिए आपने क्या किया 2015-16 में आपने वादा किया था कि इस देश में रोजगार 2000 करोड़ रुपया होगा दो करोड़ होगा सालाना दो करोड़ होगा लेकिन जो पिछले 15-16 का आंकड़ा है वो एक लाख पैंतीस हजार है कोई कहते हैं 1,50,000 है चलिए मान लें तो अगर नवयुवक जो हमारी महिलाएं हैं जो हमारे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे कहां फिर वो एबीवीपी बन के हमला करेंगे जेएनयू पे तो गुजरात में हमला करेंगे और आप समझ रहे हो कि आपने एक चुनाव जीत लिया तो हिंदुस्तान जीत लिया आपको बड़ी गलत फहमी है चुनाव आदमी जीत सकता है हमें मालूम है कौन से षड्यंत्र इस्तेमाल कर जीत सकता है लेकिन जब तक आप देश की हालत को सुधारोगे नहीं और मुझे कुछ नहीं लग रहा कि कोई आप ऐसी नीति नहीं है जिससे आप देश की हालत सुधारने वाले हैं ना किसान की हालत इतनी बदतर है जो आपने वादा किया था
कि जो किसान का जो उनको वेतन मिलेगा वो 50% कॉस्ट के अबव मिलेगा। एमएसपी तो बात की बात है कि उनको हम 50% प्लस कॉस्ट देंगे, 50% अबव कॉस्ट देंगे। कहा दिया आप? हाँ स्वामीनाथन, आपने कहा दिया? अभी अभी आपके एमपी में क्या हुआ? आपने ऐलान किया था हम लोन वेवर कर देंगे और वित्त मंत्री जी ने स्टेटमेंट दे दी हम नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री ने कह दिया हम नहीं कर सकते, ये तो प्रदेश ही करेगा। तो चुनाव के लिए तो लोन वेवर और चुनाव बाद कोई वेवर नहीं, हम नहीं कर सकते। ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? ये कौन सी नीति है? तो किसान के लिए कुछ नहीं, युवा लोगों के लिए कुछ नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं, आत्महत्या बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं, एक्सपोर्ट कमती होती जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। और आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, मैंने आपको आंकड़े दिए कि इस देश में अगर लगभग 90 करोड़ ऐसे लोग हैं, 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी 10,000 से कम है, तो आपका डिजिटल इंडिया होगा लागू कैसे होगा? और डिजिटल इंडिया लागू कैसे होगा मैं आपसे वित्त मंत्री जी पूछना चाहता हूं। डिजिटल इंडिया तभी लागू होगा ना अगर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क सारे देश हिंदुस्तान में लगेगा। और आपका मंत्रालय जो है टेलीकॉम मंत्रालय वो कहता है कि अभी केवल 75,000 ग्राम पंचायत कनेक्ट हुई, 75,000, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कनेक्ट होना, 75,000 कनेक्ट हुई है, तो 2.5 लाख कब कनेक्ट होगी? और अगर ग्राम पंचायत कनेक्ट हो भी जाए तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी कौन देगा? ग्राम पंचायत से वो फाइबर ऑप्टिक लाइन स्कूल पे जाएगी, ग्राम पंचायत से वो घरों पे जाएगी, वो कौन देगा? उसका पैसा कौन खर्चेगा और वो कब होगा? तभी आप कहते हो ना कि मैं ऐसा है, मुझे तो केवल कांग्रेस को आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दो। ये कहते थे ना, जब 60 महीने मिल गए तो बोले मुझे तो 120 चाहिए। ये आपका खत्म ही नहीं होगा, ये भी एक जुमला है। जब तक आप देश की जनता की आमदनी नहीं बढ़ाओगे तब तक देश में कुछ नहीं होने वाला, ना डिजिटल इंडिया, ना स्टैंड अप इंडिया, ना स्टार्टअप इंडिया, सब सिट डाउन इंडिया होगा, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं इल्तिजा करता हूं कि ये जुमले बंद करो, ये इलेक्शन स्पीचेस बंद करो, ये जो आपने जो चालू किया है ना उत्तर प्रदेश में, अभी गुजरात में भी आपने चालू कर दिया, 60 घर उजड़ गए, 60 घर को जला दिया, 2 लोग मार दिए, कई लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। अब उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, और फिर बात करते हो आप डेवलपमेंट की। ये है आपका डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ योर कम्युनल एजेंडा इज योर रियल डेवलपमेंट, ये असलियत है। और मुझे दुख है, बड़ा दुख है, मैं समझता था कि इतनी बहुमत के साथ आप लोकतंत्र को आगे बढ़ाओगे, इतनी बहुमत आपको मिली है कि आप अभी हमारी आवाज सुनोगे, इतनी बहुमत आपको मिली है कि आपको ये क्षमता होगी आप लोगों का दर्द सहो, दर्द को समझो, जनता के लिए कुछ करो। वो जो आप राजनीति कर रहे हो उसको छोड़ दो, कुछ उस मेला की आंखों में देखो जिसको लगता है कि अगले दिन मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा सवेरा तो आने ही नहीं वाला, ऐसे वो महिला सोचती है। उस महिला की नजर मिला के फिर कुछ करो उस महिला के लिए, उस बच्चे के लिए करो कुछ, जिसके लिए स्कूल जाने को पैसा नहीं है, कोई टीचर नहीं है, उसको पढ़ाएगा कौन, उनके लिए कुछ करो। रंग बिरंगे जो है ना आप जुमले चला रहे हो वो छोड़ दो, और अपने दिल से पूछो कि मैंने क्या किया जीतने के लिए, क्या किया, और उससे तुमको तो बहुत कुछ मिल गया, देश को क्या मिलेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू श्री कपिल सिब्बल जी, थैंक।